नमस्कार। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आज हम कक्षा 3 में छठा पाठ मैं सीखेंगे। मैं बोलने वाला व्यक्ति, जे बोलवा वालो व्यक्ति छे, एक रूप के पोताना माटे अपने लिए मैं का प्रयोग करता है। नाम के बदले मैं और मैं से जुड़ी मतलब हूँ, मैं मतलब हूँ और उससे जुड़े सर्वनाम आएंगे मेरा, मेरी, मैंने, मैं मतलब मारो, मारी, मारा, मने, ऐसे आएंगे। मैं बोलने वाला व्यक्ति पहला एक वचन, जे व्यक्ति एक भी थी बोले ए पोताना माटे मैं उस सर्वनाम का प्रयोग करता है। वैसे देखा जाए है, ये देखिए यहाँ पे किसका चित्र है, सुंदर से बच्चे का चित्र है, हो सकता है इसकी जगह मेरा आपका किसी का भी चित्र हो सकता है। ये एक पाठ, आ पाठ से पोता को परिचय आपवानो छे, है ने? आपणे ઘરે કોઈ મહેમાન આવે તો આપણે કેમ એને પહેલા જય શ્રી કૃષ્ણ કરીએ, પછી તારું નામ શું છે, તમારી ક્લાસમાં કોઈ નવું આવે તો તમે પૂછો તારું નામ શું છે, તારા મમ્મી પપ્પાનું નામ શું છે, તું ક્યાં ભણતો હતો, કઈ નિશાળમાંથી આવ્યો, તારી ઉંમર કેટલા વર્ષની છે। तो ये पाठ जो है छठा में वो व्यक्ति का परिचय है, बोलवा वाला मानस नो परिचय छे, एना विषय नी माहिती छे। मैं, मैनी, मैं बे मात्राओं पर अनुस्वर छे, नाक मत बोलवानो। मैं एक बालक हूँ, मेरा नाम अशोक है, मैं 6 वर्ष का हूं, मैं पहली एक ही मात्रा नहीं होती, पहली कक्षा में पढ़ता हूं, पढ़ता ध और ड के नीचे जयरे आलो मीठू आवे नुक्ता कहवाये, हिंदी में शू कहवाय नुक्ता, तो ड अने ढ नी नीचे जयरे आलो आवे त्यारे एनो उच्चार ड थाय। पढ़ता हूं नी पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अपना परिचय दिया है, ये जो चित्र है वो अपना परिचय आपको और मुझे दे रहा है कि मैं एक बालक, मैं हूँ बालक मतलब बालक, हूँ एक बालक तो छोकरो छू। मेरा नाम अशोक है, इससे बाद हम पूछेंगे तेरा नाम शू छे, तो मेरा मारो नाम अशोक छे, छे वर्तमान का। मैं कितना वर्ष मुझे 6, यहाँ ह लिखा है, अगर ह न लिखी आपने तो विसर्जनी निशानी पे वंत नसी है तो ऊपर टप्पू नीचे टप्पू। 6 वर्ष का हूँ, हूँ 6 वर्ष नो छू। मैं पहली कक्षा मतलब धोरण मां भणु छू। मुझे मने पढ़ना वाँचू अच्छा सारू अच्छा लगता है। शौक के बारे में आप शौक है आप परिचय देवाना हो तो एमा आपणो नाम, आपणा मम्मी पप्पानु नाम, आपणो गामनु नाम लखवानुं होय, पछी आपणा भाई बहन होय तो एना नाम लखवाना होय, पछी आपणी उमर केटला वर्षनी छे ए लखवानुं होय, अने आपणा शौक हिंदी में बोलते हैं शौक क्या। तो आ पाठ में जेनी नीचे आपने लीटी करी छे एने आपने अर्थ जोई, बाड़क मतलब छोकरो अथवा तो बाळक, मैं एटले हूँ बोलना पोते, मेरा एटले मारो नाम तो आपने खबर जो है 6 इतने 6 आने आपने अभी रीते पण लखी शकी, तमारी गिन
पढ़ता हूँ मतलब अहिया पासे भणू छू शुं थशे भणू छू श क्या है मुझे એટલે मुझे मतलब मने पढ़ना હવે અહીંયા पढ़ना એટલે ભણવું અથવા કે અહીંયા વાંચવું જો અહીંયા इस चित्र में हमें बुक दिखाई दे रही है ना जो पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना मतलब भणवું પણ થાય અને વાંચવું પણ થાય बहुत એટલે ઘણું अच्छा लगना अच्छा लगना એટલે સારું લાગવું અથવા તો ગમવું સારું લાગવું પણ થાય અને ગમવું પણ થાય તો એસે આપકા ભી શબ્દ હોગા अब परिचय देना है जैसे मैं हिंदी ले रही हूँ तो मुझे परिचय देना है आपको तो मैं अपना परिचय दूँ फिर आप अपना देंगे ठीक है मैं विहारिका दवे हूँ मैं 50 साल की हूँ मेरी माता जी का नाम मंजुला महन है मैं अंजार में रहती हूँ मैं सेंट जेवियर स्कूल में हिंदी गुजराती पढ़ाती हूँ शौक अभ्यास मैंने एमए बीएड किया है शौक मुझे पढ़ना वाचूं लिखना लखूं गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है तो आपको अपना परिचय देना है अपना अपना व्यक्तिगत रूप से तो आप क्या लिखोगे परिचय देंगे अपना ओळखाण तो नाम अपना नाम लिखेंगे आपकी माता जी का नाम लिखेंगे आपके पिताजी का नाम लिखोगे आपके भाई बहन है तो उनका नाम लिखोगे फिर उम्र आपकी आयु क्या है कितना वर्ष ना छो तुम्हें वो लिखोगे आप फिर अभ्यास तो अभी आप तीसरी कक्षा में आए ना तो यहाँ क्या लिखोगे आप तीसरी कक्षा और शौक आपको क्या अच्छा लगता है तुमने शू गमे छे एना विषे तुम्हारे हिंदी में लखवानु छे ये परिचय हमें हिंदी में देना है गुजराती में नहीं हिंदी में सीधे अक्षर सीधी मात्रा के साथ ऊपर की लाइन को छूकर शिरोरेखा बांधकर लिखेंगे सारे ही अक्षर या शब्द जो होंगे वो शिरोरेखा को छूकर लिखेंगे दो शब्दों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ेंगे एक ही शब्द के अक्षरों के बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे समझ में आई ये पाठ किस विषय में था अपने परिचय के बारे में फिर से एक बार मैं दो बात है मैं एक बालक हूँ मेरा नाम अशोक है मैं 6 वर्ष का हूँ मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो होमवर्क में हम क्या करेंगे अपना परिचय लिखेंगे समझ में आए एक बार ये पाठ हमें जरूर पढ़ना है फिर इसका स्वाध्याय आगे हम देखेंगे और अपना परिचय हमें लिखना है।